हेलो एंड वेलकम दे स्टूडेंट्स सो हियर आई हैव कम अपस टेन एस एस टी बहुत सारे बच्चों को ऐसे कॉम्प्लेन्ट होती है कि एस एस टी इज टोटली ए बोरिंग सब्जेक्ट जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो नींद आता है मैक्सिम स्टूडेंट्स का यही कॉम्प्लेन है ठीक है एक्चुअली एस एस टी इज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर बट यू नीड टू ग्रो दैट Interest within yourself, and you need to change your method of studying SST. Okay, so let us start uh, the history chapter one of class ten. The name of the chapter is Partition of Bengal and Sodeshi Movement. Okay, now Partition of Bengal. Whenever I say Bengal, the so first of all we need to understand Bengal. ट इज बेंगल ठीक है पार्टीशन ऑफ बेंगल नाउ एट द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ बेंगल ऑफ बेंगल क्या है ओके फिर स्वदेशी मूवमेंट क्यों पार्टीशन ऑफ बेंगल के साथ जुड़ा हुआ है स्वदेशी मूवमेंट क्या है कैसे स्टार्ट हुआ था कहाका कहा स्प्रेड हुआ था ठीक है और बैंगल पार्टीशन किसने किया था ओके पार्टीशन के पहले क्या सिनारियो था पार्टीशन के बाद क्या सिनारियो था ठीक है एट प्रेजेंट वेस्ट बैंगल का क्या सिनारियो है सब हम पढ़ेंगे जस्ट बी विथ मी और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको नींद नहीं आएगी सब मी ओके ओके नाउ सी दिस इज द प्रेसेंट सिनारी ऑफ बेंगोल ठीक है आपका जो ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है यह है आपका बांग्लादेश बांग्लादेश ठीक है एट प्रेजेंट इट इज बांग्लादेश पहले इसी को कहा जाता था ईस्ट बेंगल ठीक है ओके जिसका कैपिटल क्या है जिसका कैपिटल है ढाका ओके और इसका करेंसी क्या है करेंसी है टाका क्लियर उसी तरीके से यह वाला जो हिस्सा है ग्रे कलर में यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यह हो गया आपका वेस्ट बंगाल क्या है वेस्ट बंगाल अभी भी इसे वेस्ट बंगाल ही कहा जाता है और इसका कैपिटल है कोलकाता बट आर्लियर यह था कैलकाटा ठीक है पहले इसका कैपिटल कलकत्ता कहा जाता था बट नाउ इट चेंज एंड द न्यू नेम इज कोलकाता ओके एंड इट इज विद इन इंडिया इट इज वन ऑफ द इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल जिसका सीएम तो आप लोग को पता होगा वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है ममता बेनर्जी ठीक है वेस्ट बंगाल का सीएम है ममता बेनर्जी क्लियर सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बंगाल ओके ईस्ट बेंगल का नाम हो चुका है बांग्लादेश और वेस्ट बेंगाल जिसे हम लोग कॉल वेस्ट बेंगल या पश्चिम बोंगो इन बेंगोल इट इज पश्चिम बोंगो वेस्ट बेंगाल और इसका कैपिटल uh, है कोलकाता ये हो गया आपका uh, बांग्लादेश जो पहले था ईस्ट बेंगोल ओके okay? नाउ अभी देखिए एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पहले हम बेंगल को अच्छे से जानते हैं उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब को मिली थी? August, okay? At that time, ये जो बेंगोल था यह ग्रीन कलर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है दैट वॉज ईस्ट पाकिस्तान ठीक है यह क्या था ईस्ट पाकिस्तान और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है यह था आपका वेस्ट पाकिस्तान क्लियर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बट इन द ईयर 1971 इन द ईयर 1971 सेवनटी ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है इट चेंज्ड इनटू बांग्लादेश यह चेंज होके हो गया बांग्लादेश पाकिस्तान से ये टूट गया 1971 में और वही आपका ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है बांग्लादेश क्लियर जिसे पहले ईस्ट बंगाल कहा जाता था बिफोर पार्टीशन ईस्ट बंगाल ठीक है बिफोर पार्टीशन और बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस यही बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्ट बंगाल एंड देर वेर सम अदर एरियस टू एंड ये जो आपको येलो कलर में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला ध्यान से देख लीजिए ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ओके ओके सो दैट इज वेस्ट बेंगोल

बांग्लादेश इज शेयरिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया द कंट्री बांग्लादेश शेयर लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया तो कहा जगह है आप यहां से देख सकते हो बांग्लादेश शेयर बाउंड्री विथ त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम जो हम रहते हैं यहां पर लगभग हियर विियर हम यहां पर रहते हैं ये हो गया अपना असाम Okay. This is the present scenario. So now the question arises why I am telling you about the present scenario. If you do not understand the present scenario, then you cannot imagine the situation what had happened in the year 1905, and you cannot learn about the partition of Bengal. Okay. <coughs> now moving ahead. इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टिशन ये जो इंसान आप देख रहे हो उन्हीं का नाम है लॉर्ड कार्जन वो कौन थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल इन दर नाइनटीन हंड्रेड फाइव ही वॉज द वाइस रॉय कौन थे ही वॉज द वाइस रॉय वाइस रॉय ऑफ इंडिया ठीक है वाइस रॉय लॉर्ड कार्जन सो so, 19 जुलाई 1905 में ठीक है पहली बार लॉर्ड कार्जन ने अनाउंस किया था कि बेंगल को अलग किया जाएगा बेंगल को अलग किया जाएगा एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंगल वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट्स व्हाई दे अनाउंस्ड दैट दे वुड दे Would part, partition the Bengal. Okay? यही से ये यह शुरू होता है नाइनटीन जुलाई 1905 हंड्रेड फाइव वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड गार्जियन थे उन्होंने पहली बार अनाउंस किया कि बेंगोल को पार्टीशन किया जाएगा बेंगल को बाइफोकेट या फिर आप बोल सकते हो कि बेंगल को अलग किया जाएगा पहली बार नाउ इन टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री सम फैक्ट इन टू रिमेंबर

क्यों पार्टीशन किया गया था देखिए जो ईस्ट बंगाल था ठीक है ईस्ट बंगाल ओके ईस्ट बंगाल वाज मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, एंड वेस्ट बंगाल जो था दैट वाज मोस्टली हिंदू डोमिनेटेड रीजन, हिंदू डोमिनेटेड सो आर यू गेटिंग इट द प्राइम एजेंडा बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल द प्राइम एजेंडा

पहली बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बिकॉज दे था हिंदू वुड बिकम माइनोरिटी इन द पर्टिकुलर रीजियन ईस्ट बेंगाल में हिंदू हो जाएंगे माइनॉरिटी, वेस्ट बेंगाल में मुस्लिम हो जाएंगे माइनॉरिटी, ठीक है ओके okay. नाउ ये देखिए पार्टीशन के बाद 1905 से पार्टीशन के बाद क्या सिचुएशन था पार्टीशन का पहला आप लोगों ने देख लिया मैंने अच्छे से बताया हुआ है पार्टीशन के बाद ये था देखिए ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम डोमिनेटेड ये जो रेड कलर का हिस्सा है ये वाला है हिंदू डोमिनेटेड रीजन ओके हिंदू डोमिनेटेड प्रेजेंट सिनारियो में आप जब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को देखते हैं वो बहुत छोटा हो चुका है बट दैट टाइम इट वॉज वेरी बिग क्लियर कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा भी है ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये इंडिया का हिस्सा था ही नहीं दैट वॉज सिक्किम 1947 के बाद सेवन के बाद डिवट डन बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिफिकेशन हुआ है इंडिया के साथ ये पहले हिस्सा ही नहीं था ओके नाउ यह सिनारियो आप देख लीजिए कि यह था तो यह हो गया पार्टीशन ऑफ बेंगल बेंगल पार्टीशन के बाद यह पूरा बेंगल है ये वाला हिस्सा को वेस्ट बेंगल कहा गया और इसको कहा गया ईस्ट बेंगल तो ईस्ट बेंगल के साथ कौन कौन सा जगह जुड़ चुका है राजशाही जुड़ गया उसके बाद ढाका जुड़ गया चिटागोंग जुड़ गया चट्टोग्राम भी जुड़ गया और असम, ठीक है और ढाका को बना दिया गया कैपिटल ओके और इधर जुड़ गया वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा एंड द छोटा नागपुर ठीक है ठीक है और इधर में कैपिटल बना दिया गया किसको कैलकाटा आफ्टर पार्टीशन तो आफ्टर पार्टीशन ये सीनारिय आप देख लीजिए अच्छे से आफ्टर पार्टीशन क्या क्या हुआ है तो पार्टीशन एक्चुअली ये वाला हिस्सा है ये पार्टीशन हो गया ये वाला हिस्सा आफ्टर पार्टीशन ऑफ बेंगोल ये वाला हिस्से को कहा गया ईस्ट बेंगोल और ये वाला हिस्से को कहा गया वेस्ट बेंगोल क्लियर ओके नाउ न्यू प्रोविंसेस विच क्रिएटेड आफ्टर द पार्टीशन पार्टीशन के बाद न्यू प्रोविंसेस क्या हुआ वेस्टर्न प्रोविंस एंड एस्टर्न प्रोविंस जिसे हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बेंगल एंड ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल के साथ क्या क्या था देख लीजिए वेस्ट बेंगल था बिहार था उड़ीसा एंड छोटा नागपुर जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे हिंदी या उड़िया लैंग्वेज मैक्सिमम बोला जाता था एंड कैलकाटा को बनाया गया कैपिटल एट प्रेजेंट विच इज कोलकाता क्लियर और एस्टर्न प्रोविंस में क्या क्या था ईस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा उसके बाद कौन कौन सा जगह जुड़, जुड़ गया इसके साथ चिटागोंग ढाका राजशाही मालदा चट्टोग्राम और ये वाला जो हिस्सा था मुस्लिम मेजोरिटी का था मुस्लिम मेजोरिटी और मोस्टली यहां पर बोला जाता था, था बंगला बेंगोली स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल वेयर देयर और वेस्ट बंगाल में जो मोस्टली क्या उड़िया और हिंदी मेजोरिटी पीपल थे क्योंकि बिहार उड़ीसा दोनों वेस्ट बंगाल के साथ था अभी तो बिहार अलग हो गया है वेस्ट बंगाल अलग हो गया छोटा नागपुर जिसे हम कह रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में घुस गया है अंडरस्टूड और नॉट ठीक है ओके अभी आते हैं तो प्राइम रीजन क्या था कि बेंगल को डिवाइड किया गया या पार्टीशन किया गया ऑफिशियल रीजन जो लॉर्ड कार्जन के द्वारा अनाउंस करते टाइम बताया गया है वो पहले पढ़ लेते हैं वट वेयर रीजंस रीजन ऑफिशियल रीजन लैस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द गवर्नमेंट मतलब एरिया जो था ये पूरा बेंगल का एरिया बहुत बड़ा एरिया था तो पूरे एरिया को सिर्फ एक ही गवर्नर के द्वारा गवर्नर ऑफ बेंगल था गवर्नर ऑफ बेंगल जिसे गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था 1905 में, ठीक है? तो सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा ये पूरा हिस्सा कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था एंड इट वाज द एक्चुअल रीजन एक्चुअल ऑफिशियल रीजन विच बीन बाय लॉर्ड कार्चन एट द टाइम ऑफ एक्चुअल ऑफ बेंगल ठीक है फिर इट वाज टोटली बिकेम हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू डी विदेन देखिए उन लोगों ने इसको बाइफोर्टेट किया और इसको डिवाइड कर दिया किसको डिवाइड किया बेंगल को डिवाइड किया और इट वॉज बिकम इंपॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रीच टू द रिमोट एरियाज ऑफ द

बेंगल थिंक्स टूडे इंडिया विल थिंक द एक्चुअल थिंक टैंक हम बोल सकते हैं ठीक है बें, बेंगोली लोग दिमाग में बहुत तेज होते हैं बेंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं थिंक टैंक बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारे थिंकर्स बेंगल में आए एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट जो हमका हमारा स्वाधीनता आंदोलन है आंदोलन जो है साधुता आंदोलन उसका मेन आप आ, सेंटर एपिसेंटर आप कह सकते हो कहां पर जैसे कि एक अर्थक युद्ध जब शुरू होता है किसी एक सेंटर से शुरू होता है ना तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एपिसेंटर आप कह सकते हो कि ये बंगाल था बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए बस इस बंगाल में तो ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि अगर बंगाल को एक साथ रहने दिया गया तो वी कुड नॉट एबल टू एडमिनिस्टर हमको ये सब उखाड़ के फेंक देंगे इसीलिए बेंगल को अलग किया जाए तो ये था प्राइम रीजन ताकि वेकनिंग द नेशनल मूवमेंट नेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई फुल फ्लेज में चल रहा था कहां पर वेस्ट बेंगल में और ईस्ट बेंगल दोनों मिला के ओके पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया ताकि लोगों को ब्रिटिशर्स का एक ही काम था लोगों को आपस में लड़ाओ और रूल करो आपस में लड़ाओ और रूल करो तो इधर देखिए कैसे उन लोगों ने डिवाइड किया हिंदू को और मुस्लिम को अलग किया तो लोगों को रिलीजियन में लड़ा दिया और रूल किसने किया ब्रिटिशर्स ने रूल किया ओके okay. फिर रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कार्जन टू शो दैट द ओपिनियन ऑफ पोलिटिकल लीडर्स एट नो मेनिंग ये भी था पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे बंगाल से आ रहे थे बट उसको कट डाउन करने के लिए पार्टीशन अनाउंस किया गया था क्लियर है तो प्राइम रीजन हमको मिल गया एक तो हो गया नेशनल मूवमेंट जो शुरू हो गया था उसको वीक करना था उसको खत्म करना था क्योंकि बेंगाल में नेशनल मूवमेंट का एपिसेंटर था फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना था ताकि वो लोग रूल कर पाए ओके और दूसरा जो लोग मेन चीज हम यह कह सकते हैं कि जो लोग पूरे अवेयर हो चुके थे ब्रिटिश का एट्रोसिटीज और ब्रिटिश का एक्सप्लोटेशन वाले रूल से उनको अलग कर देना ताकि वो लोग फिर से रूल कर पाए क्लियर और मोस्टली हिंदू और मुस्लिम को अलग करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ देना हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना ये भी एक रीजन था ठीक है ता, ताकि ब्रिटिशर्स खुद वहां पर रूल कर पाए क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं एंटी पार्टीशन ऑफ मूवमेंट तो ये सिक्सटीन अक्टूबर का जो डे था सिक्सटीन अक्टूबर 1905 जब एक्चुअल में पार्टीशन हो गया तो लोगों ने इसे डे ऑफ मॉर्निंग मॉर्निंग के रूप में पालन किया बेंगोल के लिए एक काला दिवस था पूरा एक काला दिन था बेंगोल के लोगों के लिए ब्लैक डे कहा गया था प्लेग्ड लोगों को बहुत मतलब पेन फील हो रहा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया लोगों ने पूरा फास्टिंग करना शुरू कर दिया खाली पैर चलने लगे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने लगे जैसे तभी इसी के टाइम में बंकिम चंद्र का एक गाना बंकिम चंद्र चटर्जी का एक गाना बहुत फेमस हो गया था व्हिच वाज वंदे मातरम ठीक है एंड uh, रविंद्रनाथ केम फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट दॉलिसी ऑफ रक्षाबंधन ठीक है ताकि हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी जो है वो बना रहे टिका रहे इसलिए उन लोगों ने ये पॉलिसी चालू किया था कि एक दूसरे को राखी बांधने लगे ताकि एक दूसरे को भाई भाई है इस चीज को आगे लाया जा सके ओके और फिर पीपल स्टार्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकट बॉयकट मूवमेंट्स तो ये स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट्स क्या है इसके बारे में जानने के लिए पहले हम यह देखते हैं स्वदेशी शब्द का अर्थ क्या है स्वदेशी का अर्थ होता है of one's own country, खुद के देश के देश 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 लिए अपना देश। अपना देश। ये हो गया स्वदेशी तो स्वदेशी मूवमेंट क्यों चालू हुआ था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ पेंगल उन्हें पता चल गया था कि उनका जो ये प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट का मेजर है इट ओंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट समथिंग सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट में अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सेल्फ रिलायंस और so तो सेल्फ हेल्प का पॉलिसी अपनाया किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी इंसान के अगेंस्ट में आप बोल सकते हो कि उसके अगेंस्ट में अगर डायरेक्टली फाइट करके नहीं हो रहा है तो उसको अगर आप इकोनॉमिकली वीक बना दोगे तो डेफिनेटली वो इंसान या वो संस्था वीक हो जाएगा इट तो इसीलिए ये सेल्फ हेल्प सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी का कॉन्सेप्ट आया कि जो भी वेस्ट बेंगल के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिशर्स लो सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स क्योंकि उससे क्या होगा इकोनॉमी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैम्पर होगा और जब इकोनॉमिक हैम्पर आता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वुड कम फॉरवर्ड टू लिसन टू द प्रोटेस्टर्स क्लियर तो इट थ्रोड द प्रेस ये स्वदेशी मूवमेंट के आ, अंदर प्रेस जो था पूरा फियरलेस था हिंदूज एंड मुस्लिम कॉपरेशन की बात कर रहा था स्वदेशी मूवमेंट क्लियर है लोग रक्ष, रक्षाबंधन कर रहे थे एक दूसरे को राखी बांध रहे थे रक्षाबंधन उसके बाद इट वाज सजेस्टेड बाय रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ये रक्षाबंधन एंड बॉयकॉट वाला हिस्सा राखी बंधन किसने सजेस्ट किया रविंद्रनाथ टैगोर ओके मूवमेंट कहां कहां तक पहुंच गया ये मूवमेंट देखिए अंदर द स्वदेशी मूवमेंट में तीन लोग बहुत फेमस हुए लाल बाल एंड पाल लाल फॉर लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ठीक है बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक गंगाधर तिलक और पाल फॉर बिपिन चंद्रपाल विपिन चंद्रपाल ठीक है तो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पुणे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे लाला राजपत राय पंजाब रीजन पंजाब हरियाणा रीजन में इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे Pal, Bengal और बिपिन चंद्रपाल वेस्ट बंगाल और बंगाल रीजन हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल रीजन में इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे क्लियर है ब्रिटिशर्स को जितने भी गुड्स है सामान है उसको पब्लिकली जलाया जा रहा था प्रोटेस्ट के रूप में ठीक है फॉरेन शुगर जो आता था उसको पूरा यूज करना बं, बंद कर दिया गया फॉरेन क्लोथ्स को बंद कर दिया वीमेन्स ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू प्रोटेस्ट दे स्टार्ट स्टॉप देरिंग बैंगल्स जो फॉरेन बैंगल्स थे ना जो वीमेन्स uh, को बहुत पसंद होते हैं बैंगल्स

मतलब पूरी तरीके से स्वदेशी होना चाहते थे एक ही रीजन था कि जब इंडियन लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते तो ब्रिटिशर्स का गुड्स कोई नहीं खरीदता तो इकोनॉमिक लॉस होता तो किसी भी कंट्री को या किसी भी गवर्नमेंट को अगर जब इकोनॉमिक लॉस होता है तो डेफिनेटली वो नील डाउन होता है ओके नेक्स्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस भी हुए ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट आपको पता चल गया क्या था ये स्वदेशी मूवमेंट था आफ्टर इफेक्ट ऑफ पार्टीशन पार्टी बेंगल पार्टीशन हुआ इसीलिए उसका इफ़ेक्ट में आया स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्लियर नाउ नेशनल लिटरेचर डेवलप्ड नेशनल लिटरेचर में हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे मैगजीन बुक्स ड्रामास न्यूज पेपर आर्टिकल सब पब्लिश हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनका नाम है और किनके द्वारा यह लिखा गया है दीस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको यह पढ़ना है आपका टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा ठीक है दीस आर जस्ट व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं जैसे एक बेंगोली बोल के एक मैगजीन आया था ठीक है जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिसका हम कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ बेनर्जी उन्होंने एडिट किया था बेंगोली मैगजीन आया था फिर संजीवनी एक मैगजीन आया था जिसको कृष्ण कुमार राव कृष्ण कुमार मित्रा 1904 में उन्होंने इसे क्या किया एडिट किया था हिताबदी आया था भाई लक भाई कौन था काली प्रसन्ना काब्य विशारद ठीक है जुगंतर एक वीकली आया था इसको एडिटर कौन थे भूपेंद्र दत्ता ओके द डोन और एक मैगजीन आया था जिसको सतीश चंद्र मुखर्जी एडिट किया करते थे एक फीमेल मैगजीन भी आया था सुप्रभात जिसको कुमुदनी मिश्रा लिखते थे ठीक है और वंदे मातरम भाई अरविंद घोष तो ड्यूरिंग दैट टाइम रविंद्रनाथ टेगोर भी बहुत फेमस हुए और चर्चा में थे रविंद्रनाथ टेगोर ठीक है उन्होंने आमार सुनार बांगला ये गाना लिखा उसके बाद जोदितोर डाक सुने क्यों ना आशे जोदितोर डाक सुने क्यों ना आशे ओके सो ये सब चीजें हुई ंकिम चंद्र का वंदे मातरम बहुत फेमस हुआ एक्चुअल में इन द हिस्ट्री 1857 के बाद मास मूवमेंट ही था स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट जब लोग यूनाइट हुए तो इसे वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट स्वदेशी मूवमेंट बिकॉज आफ्टर 57 क्या था रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है और स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर 1857 द हिस्ट्री वाज़ दिस्ट्री मास मूवमेंट वेयर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड टुगेदर क्लियर उसके बाद देखते हैं नेशनल एडुकेशन में भी चेंजेस आया लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशनल इंस इंस्टीट्यूशन को बॉयकट करना शुरू किया और नेशनल एडुकेशन के ऊपर ध्यान दिया तो नेशनल एडुकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लाया हूं जैसे बेंगल नेशनल कॉलेज की स्थापना हो गई थी फिफ्टीन अगस्त एट नाइनटीन जहां के पहले प्रिंसिपल कौन थे घोष घोषिंदो घोष पहले प्रिंसिपल थे बेंगल नेशनल कॉलेज जहां पर इंडियन पढ़ाई होता था इंडिया के बारे में कहा जाता था क्लियर इन द सेम ईयर 12 दिसंबर बेंगल नेशनल कॉलेज वाज प्रमोटेड टू नेशनल यूनिवर्सिटी तक हो गया था ओके okay. फिर आ जाइए वीमेन्स का कंट्रीब्यूशन किया था वीमेन्स कंट्रीब्यूटर देर वेर सम वीमेन कंट्रीब्यूटर ऑल्सो इन द तो प्राइम जो वीमेन कंट्रीब्यूटर थी उनका नाम था सरला देवी चौधरन उन्होंने फेस्टिवल पालन किया विनाश्टी ब्रोतो उसके बाद प्रतिपादिता ये सब कुछ फेस्टिवल्स पालन किया गया था उन्होंने एक मैगजीन भी एडिट किया था जिसका नाम था भारती एंड शी वॉज प्रोमिनेंट ट्रेनर ऑफ लाठी तो शी शीज टू ट्रेन लाठी टू द पीपल लाठी चलाना सिखाती थी, थी। लाठी ताकि समय आने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज किया जा सके उसके बाद आप कह सकते हो कि सिस्टर निवेदिता जो लोगों को सेल्फ हेल्प के बारे में बताती थी ठीक है सेल्फ रिलायंट होना सिखाती थी Line. जिसे आप बोल सकते हो कि सिस्टा निवेदिता कौन थे स्वामी विवेकानंद के एक थे। अनुया फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद ओके, तो कंट्रीब्यूटेड स्वदेशी मूवमेंट उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है वियरिंग ऑफ बैंगल्स वही चीज उन्होंने बॉयकट कर दिया दफ्टियरिंग बैंगल्स ओके फिर आगे आका आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कुछ नेशनल इंडस्ट्रीज भी हुए मतलब इंडिया का खुद का इंडस्ट्रीज भी हो गया ओके तो आप बोल सकते हो कि स्वदेशी भंडार रविंद्रनाथ टेगोर ने खोला रेपुटेड टेक्सटाइल फार्म हो गया वो ओके उसके बाद कह सकते हो कि प्राइम स्वदेशी मूवमेंट यूएस चंद्र चौधरी एंड कृष्णा बिहारी इंडियन स्टोर भी खोला गया इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है बेंगल केमिकल्स प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्टार्ट किया था ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन को बेंगल केमिकल्स और जमशेद जी चाटा ने स्टाब्लिश किया था आयरन फैक्ट्री ये जो अब जमशेद जी चाटा जमशेद जी टाटा ये कौन है अभी जो टाटा कंपनी है ना उसका फाउंडर है ये जमशेद जी चाटा अभी जो एट प्रेजेंट है सीईओ रतन टाटा उनके दादाजी है अंडरस्टूड बैंगल कॉमिकल किसने खोला था कौन किसने स्टार्ट किया था आचार्य प्रफुल्ल ओके okay. फिर आ गया आपका एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग देखिए एक तरफ जहां पर हिंदूस पूरी तरीके से पार्टीशन को खिलाफ थे मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वेर इज द मुस्लिम समर्थन कर रहे थे ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू और देवेयर विथ द ब्रिटिश मुस्लिम लोग समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि 1904 में लॉर्ड कार्जन ने मतलब माइकिंग कराया ढाका मोहनमोन सिंह चट्टोग्राम उधर कहा कि अगर आप लोग हिंदू रिजियन से या हिंदुओं से अलग हो जाते हो तो मुस्लिम रिजियन में डेवलपमेंट ज्यादा होगा मुस्लिम लोगों का फायदा ज्यादा होगा तो इधर फुट वही लोग डाल दिया कौन डाला ब्रिटिशर्स ठीक है मुस्लिम पीपल वे आर सपोर्टिव वो दे वेयर सपोर्टिव उनका भी एक खुद का रीजन था सपोर्ट करने का उनका यह मानना था कि अगर वो लोग हिंदुओं से अलग हो गए हिंदू वाले रीजन से अगर अलग हो गए तो उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में एट दैट टाइम एट पर्टिकुलर दैट टाइम क्या था कि बहुत ज्यादा गरीबी थी पॉवर्टी थी एडुकेशन नहीं था ठीक है उनका हेल्थ भी बहुत खराब था तो इसी चीज का डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने अलग होने का सोच लिया एंड ब्रिटिशर्स का पॉलिसी ऑफ पार्टीशन जिसे हम कहते हैं दे सपोर्टेड इट ठीक है दिसंबर 1906 कुछ एडुकेटेड मुस्लिम लीडर्स अटेंडेड मीटिंग एट ढाका और उसी मीटिंग में पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ठीक है नवाब सलीमुल्ला खान मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हु इन द फेवर ऑफ ऑफ बेंगल एंड हु हैड कंट्रीब्यूशन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग तो 1906 में पहली बार 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी क्लियर नाउ स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टाब्लिश कब होगी थी में. और नाइनटीन हंड्रेड फाइव में पहली बार उनको पता चला कि मास मूवमेंट क्या होता है मास मूवमेंट बिकॉज बिफोर नाइनटीन हंड्रेड फाइव नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिसी था प्रोटेस्ट इट वॉज पीसफुल पॉलिसी पीसफुल पॉलिसी ऑफ प्रोटेस्ट इसीलिए कांग्रेस का स्प्लिट भी हो गया था 1907 में तो मैं बता रहा हूं क्यों हुआ था ये सो so, में हम मान सकते हैं कि आर द ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ठीक है पीसफुल पॉलिसी ऑफ प्रोटेस्ट मतलब पिटीशन uh, डालना मतलब कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ये खराब काम हो रहा है तो um, कांग्रेस वाले क्या करते थे जाके एक पिटीशन डालते थे मतलब पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया करते थे बट स्वदेशी मूवमेंट में पहली बार फर्स्ट टाइम ठीक है यह बात आ गया कि मास तरीके से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है बाई बॉयकॉटिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई द फॉरिन ब्रिटिशर्स क्लियर इसीलिए नाइनटीन हंड्रेड सेवन में या 1906 में पहली बार सूरत सेशन, ठीक है? सूरत स्टेशन में जहां का प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरजी नौरोजी प्रेसिडेंट थे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज शब्द का फर्स्ट टाइम दे अनाउंस्ड द स्वराज मतलब खुद का राज उससे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दैट वाज वेरी मिनिमल मतलब पीस बहुत ही पीसफुल तरीके से यह प्रोटेस्ट हो रहा था बट पहली बार स्वराज की बात आई मतलब खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे तो यहां पर हम कांग्रेस के बारे में नहीं बता रहे हैं. तो आप ये मान के चलिए कि स्वदेशी मूवमेंट में कांग्रेस का भी हाथ था तो कांग्रेस ने पहली बार मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा नोरोजी कांग्रेस ने स्वराज का जो एजेंडा है उसको अनाउंस किया क्लियर ओके okay. <coughs> फिर ऐसा नहीं है कि इंडियंस ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स ने भी ये जो प्रोटेस्ट है इसको रोकने के लिए हथकंडे अपनाए रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली शेकन By this protest, मतलब उनको लॉस हो रहा था ना क्योंकि उनका गुड्स चल नहीं रहा था पूरी तरीके से मतलब उनका जितने भी सामान था उसको मास तरीके से जलाया जा रहा था मतलब पूरा इंडिया में इसका इफेक्ट था और मोस्टली आप बोल सकते हो पंजाब पुणे रीजियन ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट बेंगल पूरा बेंगोल में था बट ईस्ट बेंगोल में थोड़ा कम था क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजियन देर इन दपोर्टिव साइड रीजन उनका अपना खुद का रीजन था कि कि उनको ब्रिटिशर्स ने यह कहा था कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम आपका ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे हिंदुओं से अलग हो जाओ क्लियर जो कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे उनको जेल भी भेजा गया नॉन वायलेंट और सब्जेक्ट टू जो पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी चार्ज किया गया एडुके मतलब जो लोग एडुकेशन इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट कर रहे थे उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वार्न कर दिया गया था कि जो लोग भी यह स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में चलाएंगे उनको अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन लिया जाए क्लियर तो बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया यादाम जेल कालापानी का जेल में भी डाला गया था ओके लास्ट आप कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है स्वदेशी मूवमेंट हमको पता चल गया सो मतलब अपना खुद का देश ये स्वदेशी मूवमेंट जो था मतलब हम क्या एक्चुअल एजेंडा ऑफ द मूवमेंट क्या था कि पार्टीशन ऑफ बेंगल को रोका जा सके और पार्टीशन ऑफ बेंगल को रोका नहीं पूरे तरीके से एनल किया जा सके उसको खत्म किया जा सके ओके पूरी तरीके से उसको खत्म किया जा सके यही एक रीजन आप बता सकते हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आप बोल सकते हो कि मास मूवमेंट इससे पहले कोई मास मूवमेंट था नहीं ओके और स्वदेशी मूवमेंट ने पहली बार इंडियन लोगों को यह समझाया कि अगर इकट्ठा होके और सही तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए तो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होती है तो स्वदेशी मूवमेंट जो लोगों ने किया था इट बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि किस लिए क्योंकि एलिवेंथ मार्च हम कह सकते हैं कि क्या कि 1900 हंड्रेड एलिवेन को एनाल हो गया था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन जो बेंगल पार्टीशन कर दिया गया था वो तो खत्म कर दिया गया था ना 1900 हंड्रेड एलिवेन को तो यह कैसे संभव हुआ ड्यू टू द मोस्ट मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट तो लोगों को पहली बार यह पता चला कि एक साथ इकट्ठे होके अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इट बिकम्स सक्सेसफुल पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा है। फिर कांग्रेस 1907 आप बोल सकते हो 1905 से पहले कांग्रेस के जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट थे विच वॉज वेरी पीसफुल बट पहली बार उन्होंने भी स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन दिया था और दादा भाई नोरजी के में इन द सूरज सेशन आप बोल सकते हो 1906 में ही सूरज सेशन में तो स्प्लिट हो गया था 1906 में दादा भाई नौरोजी के नोरो में पहली बार यह स्वराज या खुद का राज का यह जो स्लोगान दिया गया था ओके स्ट्रगल को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोकल इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो गए जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हो गया उसके बाद नेशनल लिटरेचर डेवलप हुआ नेशनल एडुकेशन डेवलप हुआ नेशनल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गए तो ये कंट्रीब्यूशन था स्वदेशी मूवमेंट का ओके स्वराज आप बोल सकते हो डिमांड फॉर स्वराज पहली बार बताया गया था ओके सो so इट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है वो पढ़ लेते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन यह है कि कौन सा वैश्वर के टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था टू प्लेस लॉर्ड कार्जन ठीक है सेकंड क्वेश्चन ऑन विच डेट नाइनटीन डेट पार्टीशन ऑफ इनटू फोर्स 16 अक्टूबर में आया था फिर विन विच मीटिंग वॉज था प्रपोजल ऑफ गिविंग फॉरेन कॉम्यूनिटीज एक्सेप्टेड दिनाजपुर में एक मीटिंग हुआ था दिनाजपुर दिनाजपुर मीटिंग ठीक है दिनाजपुर में पहली बार एक मीटिंग हो गया था कब हुआ था ट्वेंटी जुलाई 1905 थ अक्टूबर को एक्चुअल में वो पार्टीशन हो गया था पर ये जो प्रपोजल ऑफ गिविंग फॉरेन कमोडिटीज ये दिनाजपुर में हुआ था अभी जो है दक्षिण दिनाजपुर हम बोलते हैं जिसे कोलकाता रीजन में मतलब वेस्ट बंगाल में है ये दिनाजपुर फिर बोला जर्नल जुगान्तर पब्लिश्ड इन द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट भूपेंद्र कौन थे भूपेंद्र दत्ता भूपेंद्र दत्ता हो गया फिर आ गया आपका वेन वॉज द इंस्टीट्यूशन नेम्ड नेशनल एडुकेशन काउंसिल जातीय शिक्षा परिषद हम कहते हैं ठीक है एस्टैब्लिश्ड इन बेंगल बेंगल में यह नेशनल एडुकेशन काउंसिल जैसे हमारा है एनईपी नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 अगले साल से जो लागू होने वाली है उसी तरीके से पहली बार यह नेशनल एडुकेशन काउंसिल क्या था जातीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल एस्टैब्लिश कब हुआ था एलेवेंथ मार्च नाइनटीन हंड्रेड सिक्स एलेवेंथ मार्च नाइनटीन हंड्रेड सिक्स नाउ हु मैन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूसर ऑफ द इंडस्ट्री नेम बेंगल केमिकल कौन था प्रफुल्ल चंद्र रे आचार्य प्रफुल्ल रे आचार्य प्रफुल्ल रे ओके okay? नेक्स्ट हो गया आपका अंडर द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल ये तो हमें पता है दादा भाई नौरोजी. ठीक है? कब यूनिफिकेशन हुआ था मतलब एनानमेंट आपको बोल सकते हो वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल को यूनिफाई कर दिया गया था रीजन ये था स्वदेशी मूवमेंट प्राइम रीजन था ड्यू टू द यूनिफिकेशन दिसंबर 1911 December, 1911 सो दैट्स इट अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मोस्टली मेरे चैनल के साथ अगर आप लोग बने रहते हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा कि हाउ टू टैकल द आंसर आंसर राइटिंग कैसे होती है मतलब नॉर्मली हम बुक में देखते हैं एस के आंसर्स का आंसर बहुत बड़ा बड़ा होता है बहुत उसका साइज लंबा होता है तो वो सीखने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है नहीं हो पाता मतलब वो चीजें दिमाग में रहता नहीं है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आंसर राइटिंग करते कर कैसे करते हैं अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो लोगों को शेयर भी कीजिए सो दैट्स इट गुड बाय